दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के कैप्टन निशांत भट्ट का रो रो कर काफी बुरा हाल हो चुका है और निशांत को रोता देखकर तेजस्वी को भी काफी चिंता सताने लगी। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि निशांत भट्ट घर के अंदर इस समय विशाल कोटिन के साथ मिलकर खाना बना रहे थे। इसी दौरान खाना बनाते बनाते निशांत भट्ट को रोना आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। निशांत को रोता देखकर विशाल को काफी चिंता हुई और विशाल ने पूछा कि आखिर भाई तुझे हुआ क्या है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई बात है तो हमें बता, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों पहले तो निशांत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी वहां पर तेजस्वी भी आ गई और तेजस्वी ने जब निशांत को रोते देखा तो उसको काफी चिंता सताने लगी और तेजस्वी ने भी निशांत से रोने का कारण पूछा। लेकिन दोस्तों निशांत ने तेजस्वी को भी जवाब नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी ने बार बार निशांत से पूछा आखिर बात क्या है, मुझे बता तो सही। जिसके बाद दोस्तों निशांत में थोड़ी हिम्मत जुटी और निशांत ने कहा कि मुझे प्रतीक के लिए रोना आ रहा है, क्योंकि प्रतीक जंगल वाले हिस्से में है और बिग बॉस ने अब तो मैप के सारे टुकड़े भी छीन लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस अब जो जंगलवासी घर के अंदर बचे हैं उनको मुख्य घर के अंदर आने देंगे, मुझे तो लगता है अब वो वहीं के वहीं से सीधे घर से बेघर हो जाएंगे। ये सुनकर दोस्तों तेजस्वी ने निशांत की हिम्मत को बढ़ाते हुए कहा कि यार तू पागल है क्या, बिग बॉस को एक साथ 6 कंटेस्टेंट को थोड़ी घर से बेघर कर देंगे, वहां और भी तो लोग हैं प्रतीक के साथ, अभी बिग बॉस और भी टास्क देंगे, तू चिंता मत कर, किसी न किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे और प्रतीक को इस घर के अंदर ले आएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि निशांत और प्रतीक की दोस्ती घर के अंदर देखा जाए तो सबसे गहरी दोस्ती है, जो कि बिग बॉस के OTT वाले सीजन से चली आ रही है और दोनों एक दूसरे के लिए अभी भी स्टैंड लेते हैं और इनकी दोस्ती वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि दोस्तों दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को हमेशा हाजिर रहते हैं। और इसी चक्कर में इस समय निशांत भट्ट को प्रतीक के लिए रोना आ गया, क्योंकि दोस्तों बिग बॉस OTT के दोनों सदस्य यानी कि समिता और निशांत तो मुख्य घर के अंदर हिस्सा बन चुके हैं, जबकि प्रतीक अकेला जंगल वासियों के साथ जंगल वाले हिस्से में ही रह रहा है। फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।